था जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स जिससे एनर्जी मिलती है। और हेल्पिंग पार्ट्स कौन है, हेल्पिंग केमिकल्स कौन है जिनसे एनर्जी नहीं मिलती लेकिन वो बाकी कामों में हेल्प करती हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती हैं, रिएक्शंस में एस्को एंजाइम काम करते हैं। ये कौन है? मिनरल्स, वाटर एंड विटामिंस। ये तीनों चीज़ों से एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से। तो हम ये एनर्जी कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बिल्डिंग न्यू बॉडी टिश्यूज, रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज, एंड दे आर द ओनली सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स फूड की फॉर्म में नहीं मिलेंगे तो हमें केमिकल एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके, अब ये केमिकल एनर्जी क्यों ज़रूरी है? ये केमिकल एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली मैजिक से नहीं आ जाते। पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का। डाइजेशन क्या चीज़ है? हम जो फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इन सारे केमिकल्स को बॉडी उसी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये मॉलिक्यूल्स बड़े भी हो सकते हैं, पॉलीमर हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे आपने देखा लिपिड, एक ग्लिसरॉल और बहुत सारे फैटी एसिड्स, तो कितना बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। इस फॉर्म में बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। इनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस बनाना ज़रूरी है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ फीडर्स। सारे के सारे एनिमल्स एक तरीके से फूड ऑब्टेन नहीं करते। फूड ऑब्टेन करने के तरीके को न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या डिफरेंस है न्यूट्रिशन और डाइजेशन में? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब डाइजेशन कब शुरू होगा? डाइजेशन उस वक्त शुरू होगा जब फूड बॉडी के अंदर आ चुका होगा। और न्यूट्रिशन कौन है? न्यूट्रिशन का मतलब है बाहर से फूड का बॉडी के अंदर आना और डाइजेस्ट होना। तो डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक लंबा प्रोसेस है जिसका एक छोटा सा हिस्सा डाइजेशन है। एक दफ़ा फूड बॉडी के अंदर आ जाए तो फिर डाइजेस्ट हो सकता है। लेकिन सारे के सारे एनिमल्स एक ही तरीके से फूड ऑब्टेन नहीं करते। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड बॉडी के अंदर एक ही तरीके से नहीं आता। इस बेस पर चार तरह के ग्रुप्स हैं। सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स के चार ग्रुप्स हैं। बल्क फीडर्स, फिल्टर फीडर्स, फ्लूइड फीडर्स एंड सबस्ट्रेट फीडर्स। ये चारों तरह के तरीके एक जैसे नहीं हैं। इनको डिटेल में देख लेते हैं। बल्क फीडर्स, बल्क का मतलब है ज़्यादा अमाउंट में, बड़े साइज में। बल्क फीडर्स क्या करते हैं? बल्क फीडर्स फूड को बड़े बड़े पीसेस की फॉर्म में खाते हैं। इस काम के लिए ये टीथ, क्लॉज या टेंटिकल्स इस्तेमाल करते हैं जो फूड को छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। और क्या करते हैं? या पिंचर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रैब्स में देखा होगा आपने, फूड को पकड़ता है, वो माउथ में डालता है और फिर माउथ में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इस फूड को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं। कितना ब्रेक डाउन करते हैं? ताकि ये बॉडी के अंदर जाने के लायक हो सके। कौन कौन से एनिमल्स बल्क फीडर हैं? ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि हम लुकमे की फॉर्म में खाते हैं, हम बड़े साइज का फूड खाते हैं, लाइक लायंस। सारे के सारे प्रेडिटर्स बल्क फीडर्स हैं। फ्रॉग पूरे का पूरा फूड माउथ में लेते हैं। कभी देखा है फ्रॉग को पकड़ते हुए अपना खाना? कभी लिजर्ड्स को देखा है अपना खाना पकड़ते हुए? वो पूरे का पूरा फूड अपने माउथ में लेती हैं। ये सारे के सारे बल्क फीडर्स हैं।
सेकेंड टाइप ऑफ फीडर्स आर कॉल्ड फिल्टर फीडर्स, नाम से जाहिर है, छानने वाले, स्ट्रेन करने वाले। कहाँ से? ये सारे वो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। इनकी बॉडी के अंदर माउथ से पानी एंटर होता है और ये पानी अपने साथ जो भी फूड पार्टिकल्स लेकर आता है वो सारे का सारा ये एनिमल्स स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं। इसका मतलब ये सारे एनिमल्स कोई मेहनत नहीं करते अपना खाना ढूंढने के लिए, बल्कि जो पानी इनके माउथ में एंटर हो रहा है वही पानी जो फूड पार्टिकल्स अपने साथ लेकर आएगा दूसरे एनिमल्स के खाए हुए, बचे हुए या फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स की फॉर्म में तैरते हुए। तो जो भी खाना इनके माउथ में पानी लेकर आएगा वो इस पानी को छान लेंगे। इसका मतलब अगर इनकी बॉडी में पानी एंटर होना बंद हो जाए तो इनके खाने का सोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिल्टर फीडर्स क्या करते हैं? दे स्ट्रेन लिक्विड्स। किस लिक्विड को? वही पानी जिसमें ये रह रहे हैं। टू कैप्चर टाइनी पार्टिकल्स। और इनके पास क्या होता है इस पानी को पकड़ने के लिए, इस पानी में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए? इनके पास लाजिमन दो चीज़ें होनी चाहिए, लंबे लंबे टेंटिकल्स और म्यूकस। म्यूकस और टेंटिकल्स अपने अंदर से गुजरने वाले पानी में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है और माउथ में भिजवाता है। एग्जांपल्स कौन हैं? क्लैम्स, स्पंजेस, वेल शार्क्स, ग्रे वेल्स, बलीन वेल्स। इन सारे एनिमल्स के माउथ के बाहर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और उनकी बेस पे म्यूकस बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं जो यहाँ से गुजरने वाले पानी में मौजूद पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। तीसरी तरह का ग्रुप है वो सारे एनिमल्स जो फ्लूइड फीडर्स हैं। ये सारे कौन हैं? ये सारे ब्लड सक करते हैं, ये सारे सैप सक करते हैं, ये सारे वो हैं जो अपना खाना तलाश नहीं करते, अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर ले जाने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी से डाइजेस्ट किया हुआ फूड ऑब्टेन करते हैं। सो दे आर पैरासाइट्स। दे सक न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इनका होस्ट प्लांट भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे एफिड्स। एफिड्स कौन हैं? इंसेक्ट्स के छोटे छोटे मेटामॉर्फोसिस के बने हुए डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो अभी पूरे इंसेक्ट नहीं बने, जैसे कैटरपिलर्स वगैरह। ये सारे क्या करते हैं? ये प्लांट्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनके स्टेम्स में होल करके स्टेम में मौजूद जाइलम और फ्लोएम में से फ्लूइड को सक कर लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है। जैसे हमारी बॉडी में सर के ऊपर रहने वाली जुएं, लाइस, ये क्या करती हैं? ये आपकी बॉडी में मौजूद ब्लड सक करती हैं। लीचेस पानी में रहने वाले एनिमल्स की बॉडी के साथ अटैच हो जाती हैं। मॉस्किटोस आपकी बॉडी से, कैटल की बॉडी से, बीटल्स कैटल की बॉडी से फ्लूइड सक करते हैं। टिक्स, लीचेस, लैम्प्रे, एफिड्स, मॉस्किटोस कौन हैं? जो सॉलिड की फॉर्म में फूड नहीं ऑब्टेन करते, लिक्विड की फॉर्म में, और उसके लिए भी मेहनत नहीं करते, बल्कि किसी और होस्ट का डाइजेस्ट किया हुआ फूड ऑब्टेन करते हैं, सक करते हैं। लास्ट ग्रुप है सबस्ट्रेट फीडर्स। सबस्ट्रेट का मतलब कोई रहने की जगह जिसके ऊपर रह सकें। इसका मतलब ये वो एनिमल्स हैं जो जिस चीज़ के ऊपर रहते हैं उसी चीज़ को खाते हैं। अर्थवर्म्स, मैगट्स, ये जिस पत्ते के ऊपर रहते हैं ये उसी को खाते हैं। अर्थवर्म्स जिस मिट्टी में रहते हैं उसी मिट्टी को खाते जाते हैं, एक तरफ से खाते हैं दूसरी तरफ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। तो ये अपना ट्रैक बनाते जाते हैं
क्योंकि एक तरफ से ये उसी चीज को खाते हैं जिस पे ये रह रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते जाते हैं, ट्रैक बनाते जाते हैं, इसलिए इनको डिपॉजिट फीडर्स भी कहते हैं. एग्जांपल्स, मैगट्स एंड अर्थवर्म्स. अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रैक. सारे एनिमल्स की बॉडी में एक जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. Lower animals have incomplete digestive system and higher animals have complete digestive system. Lower animals कौन है बच्चों, आपको याद है animal कौन है? Multicellular, eukaryotic, heterotrophic और sexual reproduction show करने वाला, जिसमें ये चारों properties हैं वो animal है. तो lower animal कौन है? Phylum Porifera, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन, फाइलम एस्केल्मिन. बस इसके बाद हायर एनिमल्स हैं, फाइलम एनेलिडा से लेके आगे हायर एनिमल्स हैं. तो देख लेते हैं पहले चार फाइला कौन कौन. फाइलम पोरिफेरा, नाइडेरिया और प्लेटीहेल्मिन. इनकी बॉडी में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक कौन सा होता है? जिसके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग है. खाना अंदर भी उसी रास्ते से जाता है और खाना डाइजेस्ट हुआ, वेस्ट मटेरियल भी उसी ओपनिंग से बाहर आएगा. एक ही ओपनिंग है बॉडी की, अंदर जाने वाला खाना और बाहर आने वाला वेस्ट मटेरियल, दोनों का एक ही रास्ता है. सच अ ट्रैक इज कॉल्ड, सच अ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक. तो कम्प्लीट कौन है? अंदर जाने का रास्ता अलग और वेस्ट मटेरियल के बाहर जाने का रास्ता अलग. सच अ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ से खाना अंदर जाता है और एनस से खाना वेस्ट मटेरियल बाहर आता है. फायदा क्या है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का? माउथ से खाना अंदर आएगा और पूरी ट्यूब में से गुजरेगा तो उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगी. सिर्फ वेस्ट मटेरियल को इजाजत मिलेगी कि वो एनस के थ्रू बाहर जाए, बाकी सारा खाना डाइजेस्ट होके बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगा. एक और कैटेगरी एनिमल्स की, कॉन्टिन्यूस फीडर्स एंड डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स. कॉन्टिन्यूस फीडर जो हर वक्त खाते रहते हैं. बेटा अभी बकरीद आई थी, उस पर आपने देखे बकरे, उस पर आपने देखी गायें, उनको खाना डाल दो वो हर वक्त खाते रहते हैं, उनको जितना दो वो खाते रहते हैं, सही? तो ये कौन है? ये कॉन्टिन्यूस फीडर्स हैं. कॉन्टिन्यूस फीडर्स कौन है? जो थोड़ा खाना लेते हैं एक वक्त में, उनकी बॉडी में वो फौरन कंज्यूम हो जाता है. तो इनको हर वक्त फूड का सप्लाई मिलना चाहिए. लोअर एनिमल्स की बॉडी में खाने को स्टोर करने की जगह नहीं होती, इसलिए लोअर एनिमल्स क्या करते हैं, वो हर वक्त खाते रहते हैं ताकि एक तरफ से खाना अंदर आए और दूसरी तरफ वो यूटिलाइज हो जाए. तो ये कौन से फीडर्स हैं? दे मस्ट ईट एवरी टाइम, दे शुड बी परमानेंटली अटैच्ड टू देयर फूड एंड दे आर वेरी स्लो मूवर्स. डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स कौन हैं? जो एक वक्त में खा के अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं खाना. हम डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स हैं. हो सकता है आप में से कुछ कॉन्टिन्यूस फीडर्स हो, हर वक्त चिप्स खाते रहते हो, हर वक्त खाते रहते हो, लेकिन बेटा ज़्यादातर ह्यूमंस कौन है? डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स. नाश्ता कर लिया, चार घंटे का ब्रेक आ गया, चार घंटे में वो एनर्जी इस्तेमाल हो गई, फिर चार घंटे के बाद लंच कर लिया, फिर चार घंटे के बाद ब्रंच कर लिया, फिर चार घंटे के बाद डिनर कर लिया. ये कौन है? ये एक्टिव एनिमल्स हैं. सारे प्रेडिटर्स डिसकॉन्टिन्यूस फीडर्स होते हैं. दे आर समवट नोमैडिक. नोमैडिक का मतलब क्या है? खाना खा लिया और घूम फिरते रहे.
हर वक्त अपने खाने से चिपके नहीं रहते। अब हम आ गए, हमने देखना शुरू किया, अब हम फोकस करेंगे, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स देख लिए, अब हम फोकस करेंगे ह्यूमन डाइटिशन पे, ह्यूमन की डाइट पे। अब हम सारा सिस्टम ह्यूमन का पढ़ेंगे। पहले हम देख लें न्यूट्रिशन क्या है, ताकि हम डाइजेशन को अपनी असली जगह पे रख सकें। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड कहाँ से, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि एनिमल इसको खुद नहीं बना सकता। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड कहाँ जाएगा, इनसाइड द बॉडी, कहाँ से, माउथ से। तो एक ऐसा तरीका जिसमें फूड माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर हो, ऐसे तरीके को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलो कंप्लीट, जोइक लाइक एनिमल। तो अब हम ट्रूली एनिमल्स की न्यूट्रिशन पे आ गए। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कौन है। डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन का छोटा सा पोर्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन है, डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा सा हिस्सा है न्यूट्रिशन का, जिसमें जब खाना माउथ के थ्रू अंदर एंटर हो जाता है, फिर वो ट्यूब में से गुजरते हुए छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होगा, यहाँ तक कि वो एब्सॉर्ब हो जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए, एफिशिएंट बेस्ट काम करने के लिए दो चीज़ें होना लाजमी है। पहला, इसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के साथ। दूसरा, इसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए बाहर की एनवायरनमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि बाहर की एनवायरनमेंट से फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होगा और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाने के बाद एब्सॉर्ब होगा। डाइजेशन कब शुरू होगी, जब बाहर के सिस्टम से फूड एंटर होगा, और डाइजेशन ख़त्म हो जाएगी तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्प्शन की तरफ जाएंगे। डाइजेशन के शुरू में और डाइजेशन के आखिर में दोनों चीज़ों का आपस में कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कौन है, स्टडी ऑफ फंक्शंस, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज क्या कहते हैं उसको, एनाटॉमी। हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ टिश्यूज, वो था हिस्टोलॉजी। तो मेडिकल टर्म्स में स्ट्रक्चर, फंक्शन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस चीज़ का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, गैस्ट्रो एंटीरोलॉजी कहलाता है। गैस्ट्रो रिलेटेड टू स्टमक, एंटीरो रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स किस चीज के, लास्ट पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रेक्टम है। रेक्टम में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, यहाँ से बाहर डेफिकेशन होती है, फीसेस बाहर निकलते हैं, यहाँ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, यहाँ बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो इसकी स्टडी को, किसको, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं, आखिरी पार्ट रेक्टम की स्टडी को प्रोक्टोलॉजी कहते हैं। गैस्ट्रो एंटीरोलॉजी कौन है, माउथ से लेके एनस तक, इस पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये गैस्ट्रो एंटीरोलॉजी में स्टडी होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम सारे का सारा एक काम नहीं करता, इट इज अ मल्टी फंक्शन सिस्टम। माउथ का काम अलग है, ट्यूब का काम अलग है, एनस का काम अलग है। तो फंक्शनली पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कितनी डिविजन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैनब ये बहुत हीट अप हो गया, इसको बंद करो। Functionally, there are two parts of digestive system. The part which is concerned with digestion, secretion and absorption is called GIT, gastrointestinal tract. Kaun hai gastrointestinal tract? Digestion, secretion
और एब्जॉर्प्शन जहाँ होती है उस पूरे ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल या फिर GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक कहते हैं। अच्छा, डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन अकेले नहीं होती, इसके लिए बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये केमिकल्स बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं। इन सारे ऑर्गन्स को हेल्पिंग ऑर्गन्स या एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये कौन है? ये डाइजेशन नहीं करते, ये एब्सॉर्प्शन नहीं करते, ये हेल्प करते हैं उस प्रोसेस में। कौन कौन? माउथ में प्रेजेंट है टीथ और टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स, और कैविटी में एब्डोमेन में कौन है? लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियस। ये छहों कौन है? ये डाइजेशन नहीं करते, एब्सॉर्प्शन नहीं करते, उसमें हेल्प करते हैं, इसलिए ये सारे ऑर्गन्स एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। और GIT कौन है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक माउथ से लेके एनस तक, सिर्फ वो वाले पार्ट्स जो डाइजेशन करते हैं। सही। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है? इंजेशन, माउथ में फूड लेना। कहाँ से? बाहर से। अभी तो देखा हमने एनिमल चार तरीके से माउथ में फूड लेते हैं, बल्क फीडिंग, फिल्टर फीडिंग, फिर आपने देखा डिपॉजिट फीडिंग या सबस्ट्रेट फीडिंग, और फिल्टर फीडिंग, फ्लूइड फीडिंग। ये चारों तरीके हैं। फिर ये खाना जब माउथ से आगे ट्यूब में जाता है तो बहुत सारे हेल्पिंग ऑर्गन्स सीक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वाटर, एसिड, बफर्स और बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं। हाँ सुमैया बोलो। सुमैया कोई बात है बेटा? कोई क्वेश्चन है आपका? मिस, इंजेशन जो है वो इन्हीं चार टाइप्स से रिलेटेड होगी? इंजेशन सिर्फ एक काम है, बाहर से फूड का माउथ में आना। अच्छा, इन्हीं चार तरीकों से होगी, एनिमल इन्हीं चार तरीके से करेगा, या फिल्टर फीडिंग, या फ्लूइड फीडिंग, या बल्क फीडिंग, या फिर सबस्ट्रेट फीडिंग। एनिमल्स में यही चार तरीके हैं। ठीक है, ठीक। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम होलोजोइक को पढ़ रहे हैं, तो ट्रू एनिमल इसी तरीके से खाएगा। अच्छा, सिक्रीशन होगी बहुत से केमिकल्स की, ये सारी सिक्रीशंस मिक्स होती हैं खाने के साथ। जब खाने के साथ मिक्स हो जाती हैं तो इन सिक्रीशंस में मौजूद एंजाइम्स डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब सारा खाना छोटे छोटे मोनोमर्स में डिवाइड हो जाता है तो अब एब्सॉर्प्शन की बारी है। एब्सॉर्प्शन कहाँ होगी? ब्लड एब्सॉर्ब करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल पीछे रह जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो डेफिकेट हो जाएगा, वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, वो बॉडी में रखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पॉइजनस है, अब ये किसी काम का नहीं है। टाइप्स ऑफ डाइजेशन, पूरे GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में दो तरह की डाइजेशन होती है। ऐसी डाइजेशन जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल ना हो, सिर्फ ब्रेक डाउन हो। कैसे? फिजिकल ब्रेक डाउन, लाइक टीथ, टंग, ट्यूब का घूमना। भाई घूमने का मतलब पेरिस्टाल्सिस, वो अपने अंदर मौजूद को फूड को मिक्स करे। ये सारे प्रोसेस फिजिकल हैं, च्यूइंग, मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग। इसमें फूड की बड़े बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन कौन है? एंजाइम्स के थ्रू, सिक्रीशंस के थ्रू। ये क्या है? फूड के अंदर केमिकल्स एंटर हो जाते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसका मतलब इसमें बॉन्ड्स क्रिएट होंगे।
केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला पोर्शन डाइजेशन का, ओरल कैविटी। हाँ बोलो सुमैया। ओरल कैविटी, माउथ को ओरल कैविटी कहते हैं। माउथ में तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। हम इन तीनों की डाइजेशन को कंप्लीटली देखेंगे। माउथ कैविटी की बाउंड्री कौन बनाता है? सबसे ऊपर की बाउंड्री, ऊपर का मतलब सुपीरियर, सुपीरियर बाउंड्री बनाएगा सॉफ्ट और हार्ड पैलेट। नीचे की बाउंड्री इंफीरियर, वो कौन बनाएगा? फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग के नीचे। और साइड्स लेटरल कहलाती हैं, और माउथ की दोनों साइड्स बनाएंगे चीक्स। ये बाउंड्री बन गई। टीथ पे आ जाएं। द प्रेजेंस ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टीथ इन द माउथ इज कॉल्ड डेंटिशन। माउथ के अंदर दांतों का निकलना, दांतों का गिरना या परमानेंटली मौजूद रहना, दांतों से रिलेटेड हर चीज़ डेंटिशन कहलाती है। बेटा आपकी क्लास ओवर होगी तो 10-15 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज मैं माउथ को फिनिश करूँगी। माउथ में डाइजेशन को आज हम फिनिश करेंगे। आपके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पावर पॉइंट एज सच फॉरवर्ड हो जाएगा, तो लिखने का काम आप उस वक्त कर सकते हैं। ओके, तो क्लास ओवर हो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। टाइप्स ऑफ डेंटिशन कितनी हैं? सारे के सारे एनिमल्स में दो तरह की डेंटिशन है। या तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा दांत ग्रो करती हैं, अगर ये टीथ टूट जाएं तो फिर दोबारा ग्रो नहीं करते। ऐसे एनिमल्स मोनोफियोडोंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, ये सारे कौन हैं? एक ही तरह के दांत एक ही दफ़ा ग्रो करते हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ टीथ नहीं है। सारे टीथ कैसे हैं? एक ही तरह के हैं, एक ही काम करते हैं, और अगर ये टूट जाए एक्सीडेंटली खाना पकड़ते हुए या उसको चोट लग जाए, फिर ये दोबारा ग्रो नहीं करते। सेकंड टाइप ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल सारे के सारे ह्यूमंस, सारे के सारे मैमल्स में दो सेट्स होते हैं। बोलो मिस, वो रेप्टाइल्स में आपने कहा कि सेम टीथ होंगे, कोई कोई स्नैक्स होते हैं जिनके टीथ कर्व होते हैं और बाहर की साइड होते हैं, तो वो भी तो रेप्टाइल्स में ही आते हैं। बेटा वो टीथ नहीं होते, वो उनके फैंग्स होते हैं। फैंग्स तो मॉडिफिकेशन है, अडेप्टेशन है। हम तो जनरल लिजर्ड्स की बात कर रहे हैं, हम स्पेशलिटी की बात नहीं कर रहे। जनरली सारे रेप्टाइल्स में टीथ होते हैं, आप जो बात कर रहे हो वो स्पेशलिटी है, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। सारे बर्ड्स में भी टीथ नहीं होते, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में टीथ होते हैं, सिर्फ बर्ड्स में टीथ नहीं होते। क्यों? क्योंकि बर्ड्स में बीक होती है। मैमल्स पे आ जाएं एक्सक्लूसिवली, सारे के सारे मैमल्स में सारी जिंदगी टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। एक सेट ऑफ टीथ है जो उम्र के पहले हिस्से में निकलता है, इसको कहते हैं डेसिडस या मिल्क टीथ। ये वो दांत हैं जो छोटी उम्र में निकलते हैं और सॉफ्ट खाना खाने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में, छोटे बच्चों में, जब तक कि वो 10 की एज क्रॉस नहीं करते, कितने दांत होते हैं? छोटा माउथ है, जगह भी कम है, खाना भी सॉफ्ट है, तो ये 20 टीथ हैं। जब ये 20 टीथ रिप्लेस हो जाएंगे, एक एक करके गिर जाएंगे, तो इनकी जगह साइज में बड़े, फंक्शन में स्पेशल, कंप्लीट सेट ऑफ टीथ आएगा, वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं।
पहली डेंटिशन क्या कहलाती है? डेसिडस डेंटिशन या फिर मिल्क डेंटिशन, 20 टीथ है। और सेकंड डेंटिशन क्या कहलाती है? परमानेंट डेंटिशन। ये दांत अगर टूट जाएं, ये कब आते हैं? 6 ईयर्स के बाद आने लग जाते हैं। 6 ईयर्स में आपके दांत टूटने लग जाते हैं। बेटा हमारे पास लास्ट मिनट है इस मीटिंग का, जब डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। कुछ बच्चों में 6 ईयर्स में टीथ टूटने शुरू हो जाते हैं और कंप्लीट कब होते हैं? 14 ईयर्स में। कुछ बच्चों में 7-8, कुछ बच्चों में बहुत लेट दांत आते हैं या टूटने का प्रोसेस होता है तो उनमें 18 ईयर्स तक भी 32 टीथ कंप्लीट होने का वक्त लग जाता है। लेकिन प्रॉपर इंसान बनने से पहले, अडल्ट बनने से पहले 32 टीथ लाजिमन बने हैं। ये सारे टीथ अपर जॉ और लोअर जॉ में डिवाइडेड होते हैं। ये सारे टीथ एक जैसे नहीं होते, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट हैं, फंक्शनली भी।